महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करते समय महिला श्रद्धालु की साड़ी में लगी आग। राजस्थान से महाकालेश्वर पति हनुमान सिंह व अन्य 6 लोगों के साथ दर्शन करने आई शोभा कुंवर की साड़ी में मंदिर के दीपक से लगी आग। आग बुझाने के लिए भाग दौड़ करने की वजह से आग भड़की। पुजारी ने कंबल डालकर महिला की आग बुझाई। तत्काल एम्बुलेंस की सहायता लेकर महिला को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर श्रद्धालु महिला का इलाज चल रहा है। जर्मन महिला ने गोरखपुर में पति के साथ की छठ पूजा। गोरखपुर के रहने वाले शुभम की शादी विक्टोरिया से हुई थी। दोनों बीते 12 साल से स्विट्जरलैंड में रह रहे हैं। इन दिनों गोरखपुर आए इस जोड़े ने छठ महापर्व के अवसर पर सूर्यकुंड धाम पर छठ पूजा की। इस मौके पर विक्टोरिया ने पारंपरिक काला सलवार सूट पहना और गुलाबी दुपट्टा लिया। माथे पर बिंदी दमक रही थी। शुभम ने बताया कि मेरी पत्नी और बच्चे की यह पहली छठ है। शुभम और विक्टोरिया बहुत खुश हैं। अपने पति के साथ इस त्योहार को मनाकर विक्टोरिया बहुत खुश है। अठारह नवंबर से रामायण सर्किट ट्रेन संचालित करेगा IRCTC। तीर्थयात्रियों के लिए रामायण सर्किट ट्रेन होगी संचालित। 18 दिन की यात्रा में तीर्थयात्रियों को प्रभु श्री राम से जुड़े स्थलों के दर्शन कराएगी रामायण सर्किट ट्रेन। ट्रेन दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से होगी रवाना। तीर्थयात्रियों को अयोध्या, जनकपुरी, सीतामढ़ी, बक्सर, काशी, प्रयागराज, चित्रकूट, नासिक, हम्पी, रामेश्वरम एवं भद्रचलम के कराए जाएंगे दर्शन। ट्रेन में AC बोगियां होंगी, जिसमें 600 यात्री कर सकेंगे सफर। गुजरात में सरकार बनते ही कांग्रेस देगी कर्मचारियों को उनका हक। राहुल गांधी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने तेलंगाना से भारत जोड़ो यात्रा में हैं। उन्होंने ट्वीट कर गुजरात की जनता से किया पक्का वायदा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में संविदा कर्मियों को पक्की नौकरी दी है, पुरानी पेंशन योजना बहाल की है। गुजरात में सरकार बनते ही गुजरात में भी संविदा कर्मियों को पक्की नौकरी, पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल कर समय पर प्रमोशन दिया जाएगा। शामली में हुए सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में 2 अभियुक्त गिरफ्तार। सामूहिक दुष्कर्म के बाद महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 अभियुक्त को अरेस्ट कर भेजा जेल। दलित महिला से गांव के दबंगों ने दुष्कर्म किया था। विरोध करने पर महिला की थी गला दबाकर हत्या। मुख्य आरोपी शांतुल और नीटू को किया गया गिरफ्तार। सदर कोतवाली के कावड़ौत गाँव की घटना। UKSSSC पेपर लीक कांड में धामपुर इंटर कॉलेज के शिक्षक गिरफ्तार। धामपुर इंटर कॉलेज के शिक्षक योगेंद्र सिंह को STF देहरादून ने किया गिरफ्तार। योगेंद्र सिंह धामपुर के KM इंटर कॉलेज के शिक्षक हैं। योगेंद्र सिंह पेपर लीक कांड के मास्टरमाइंड के नजदीकी हैं। शिक्षक योगेंद्र पर केंद्रपाल से पेपर खरीदने का है आरोप। AIMIM नेता शौकत अली की अग्रिम जमानत याचिका खारिज। भड़काऊ भाषण के मामले में जेल में बंद AIMIM नेता शौकत अली की अग्रिम जमानत खारिज। सरकारी अधिवक्ता की बहस के बाद जमानत अर्जी हुई खारिज। मामले में 3 लोगों के खिलाफ संबल कोतवाली में किया गया था केस दर्ज। टेंट हाउस गोदाम में लगी भीषण आग। गोदाम में रखे प्लास्टिक के सामान और कपड़ों की वजह से आग ने लिया विकराल रूप। आगजनी की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। सिटी कोतवाली इलाके में पुरानी गल्ला मंडी के पास बनारसी होटल के पीछे विनोद कुमार गुप्ता के मकान में ही है टेंट गोदाम। हादसा सुबह करीब 5 बजे का है। घबराए पड़ोसियों ने गोदाम में आग लगने की सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी। ट्विटर से नहीं जाएगी कर्मचारियों की नौकरी। ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क ने कंपनी में कर्मचारियों की छंटनी की खबरों से किया इनकार। मस्क ने न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट का किया खंडन। उन्होंने कहा कि ट्विटर से यह छंटनी 1 नवंबर से पहले की जा सकती है, क्योंकि इस दिन के बाद से अगर एम्प्लॉयज को निकाला जाता है तो उन्हें मुआवजे के रूप में स्टॉक ग्रांट्स देना पड़ सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारतीय पुरातत्व विभाग पर लगाया हर्जाना। ज्ञानवापी मामले में भारतीय पुरातत्व विभाग पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ₹10,000 का हर्जाना लगाते हुए सुनवाई की अगली तिथि 31 अक्टूबर यानी आज
जवाबी हलफनामा जमा करने का अंतिम अवसर दिया था। ये हर्जाना हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति में जमा होगा। समय देने के बावजूद भी हलफनामा न जमा करने पर कोर्ट ने जताई थी नाराजगी। कोर्ट ने ASI के निदेशक से मांगा था हलफनामा। हालांकि कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का पुरातात्विक सर्वे कराने के वाराणसी की अदालत के आदेश पर पहले ही 31 अक्टूबर तक रोक लगा रखी है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस आज। वर्तमान राज्य गुजरात के खेड़ा जिला स्वतंत्रता से पहले बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था। इसी खेड़ा जिले के नौडियाड में 31 अक्टूबर 1875 को झवेर भाई पटेल के घर सबसे छोटी संतान के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था। गुजरात के मोरबी में 43 साल पहले भी हुआ था ना भूलने वाला हादसा। 43 साल पहले 11 अगस्त 1979 को लगातार बारिश के कारण दोपहर करीब 3:15 बजे मच्छू नदी पर बना बांध पानी के तेज बहाव में टूट गया था और देखते ही देखते मात्र 15 मिनट में ही पूरा जिला तबाह हो गया था। इस हादसे में हजारों लोगों की पानी में डूबने से मौत हो गई थी। 2 घंटे के अंदर ही मकान और इमारतें जमीन दोज होने लगी थी। पानी का बहाव इतना तेज था कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। इस हादसे में हजारों पशुओं की भी मौत हुई थी। पूरा शहर मलबे में बदल गया था। चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री और गुजरात के मुख्यमंत्री बाबूभाई पटेल थे। इंदिरा गांधी ने भी मोरबी का दौरा किया था। सरकार ने इसे एक्ट ऑफ गॉड करार दिया था। टू फिंगर टेस्ट के इस्तेमाल करने वालों को कदाचार का दोषी माना जाएगा सुप्रीम कोर्ट। बलात्कार के मामले में टू फिंगर टेस्ट के इस्तेमाल करने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। DY चंद्रचूड़ और जस्टिस हेमा कोहली की बेंच ने सोमवार को चेतावनी दी कि ऐसा करने वालों को कदाचार का दोषी माना जाएगा। तेलंगाना हाईकोर्ट के एक फैसले के खिलाफ चल रहे केस पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, कोर्ट ने रेप केस में टू फिंगर टेस्ट नहीं करने का आदेश कई बार दिया है। दरअसल इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। यह महिलाओं को बार बार रेप के समान प्रताड़ित करने जैसा है। यह टेस्ट उस गलत धारणा पर आधारित है कि सेक्सुअली एक्टिव महिला का बलात्कार नहीं किया जा सकता। मुस्लिम लड़कियों पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने दिया ऐतिहासिक फैसला। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मुस्लिम लड़कियों पर दिया ऐतिहासिक फैसला। अब 15 साल के उम्र से ऊपर की कोई भी मुस्लिम लड़की अपनी पसंद से किसी भी व्यक्ति से शादी कर सकती है, उसकी यह शादी वैध मानी जाएगी। जबकि नियमों के अनुसार भारत में लड़की की शादी की उम्र 18 साल से लेकर 21 साल है। एक याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विकास बहल ने ये फैसला लिया है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने बाल विवाह अधिनियम 2006 को प्रभावी माना। जस्टिस राजेंद्र बादामीकर कर्नाटक हाईकोर्ट ने 2 अलग अलग मामलों में कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के इस तर्क को खारिज कर दिया कि एक नाबालिग मुस्लिम लड़की की शादी 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद हो सकती है। हाईकोर्ट ने कहा यह बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 का उल्लंघन है। हाईकोर्ट ने पॉक्सो अधिनियम और IPC में लड़कियों की शादी की उम्र के संबंध में मुस्लिम पर्सनल लॉ कानून को ओवरराइड कर देता है। लॉकडाउन के डर से एप्पल आईफोन की फैक्ट्री से भाग रहे मजदूर। चीन के झेंगझू में कोरोना महामारी फैलने से डरे मजदूर एप्पल आईफोन फैक्ट्री से लॉकडाउन के डर से काम छोड़कर भाग रहे हैं। चीन सरकार कोरोना कंट्रोल के लिए जीरो कोविड पॉलिसी अपना रही है, जिसके तहत बीमारी फैलने पर पूरे इलाके और शहर में सख्त लॉकडाउन लगा दिया जाता है। फिर धमाकों की आवाज से थर्राया कीव। कीव शहर पर एक बार फिर गर्जी रूसी मिसाइलें। रूस ने आरोप लगाया है कि यूक्रेन ने काला सागर में उसके नौसैनिक बेड़े को निशाना बनाया है। इस आरोप के बाद रूस ने अनाज समझौता भी रद्द कर दिया है। अब फिर दुनिया पर खाद्य संकट मंडराने लगा है। रूस यूक्रेन दुनिया के बड़े अनाज निर्यातक देश हैं। रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले के बाद अनाज निर्यात को बाधित कर दिया था, जिसकी परिणति वैश्विक खाद्य संकट के रूप में सामने आई थी। अब यूक्रेन के साथ हुए अनाज समझौते को रद्द करने के बाद वैश्विक स्तर पर अनाज की कीमतों में फिर से उछाल आ रहा है।
सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हैलोवीन हुआ सेलिब्रेशन। सऊदी अरब में इस साल बहुत ही जोरों शोरों से हैलोवीन सेलिब्रेट किया गया है। इसके लिए क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से भी कोई पाबंदी नहीं थी। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में कई लोगों ने फैंसी कपड़े पहनकर हैलोवीन सेलिब्रेट किया तो कई लोगों ने शैतान वाले कपड़ों में सेलिब्रेट किया। इसे लेकर कई सोशल मीडिया यूजर्स ने नाराजगी जताई है तो कई ने इसे सपोर्ट भी किया है। इमरान खान के ट्रक के नीचे आकर महिला पत्रकार की मौत। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के ट्रक के नीचे आकर महिला पत्रकार सदफ नईम का निधन। सदफ के घर पहुंचे इमरान खान और उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। दरअसल एक दिन पहले नईम चैनल 5 की तरफ से पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ पार्टी के हकीकी आजादी मार्च को कवर कर रही थी कि तभी खान के वाहन की चपेट में आने से पत्रकार नईम की मौत हो गई थी। ट्विटर पर ब्लू टिक पाने के लिए करना होगा अप्लाई। हाल ही ट्विटर के नए मालिक बने एलन मस्क ट्विटर के इस्तेमाल करने वाले लोगों की सब्सक्रिप्शन फीस को बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं, जो अभी करीब 400 रुपए है उसे बढ़ाकर 1600 रुपए किया जा सकता है। अपने ट्विटर ब्लू टिक नियमों में भी बड़े बदलाव करने जा रहे हैं मस्क। जल्द बड़ी संख्या में लोगों के ब्लू टिक भी हटाए जा सकते हैं। अब ब्लू टिक पाने के लिए किसी भी ट्विटर यूजर को अप्लाई करना होगा। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।